बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कुल मिला के 58 सीटों पर आज पूरे देश में वोटिंग हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 14, जिन पर आज वोट डाले जाने वाले हैं। छठे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है, ठीक 7 बज चुके हैं और 7 बजे वोटिंग जो शुरू होनी है आज शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है। बड़ी जानकारी आपको इस समय की दे रहे हैं, यूपी में जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें कुल मिला के 162 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बीजेपी के कई कद्दावर ऐसे धुरंधर चुनावी मैदान में हैं जो जीत की हैट्रिक मारने के इरादे से मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपनी जीत का दम भर रहा है। लगातार आपने देखा है कि चुनावी रैलियां हुई हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है उत्तर प्रदेश में। आज छठे चरण की वोटिंग एक तरफ और दूसरी तरफ दिग्गजों की चुनावी रैली भी, आज एक के बाद एक कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में नजर आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनता के बीच में नजर आएंगे और वहीं मतदान भी चल रहा है। बहुत ही प्रमुख सीटें उत्तर प्रदेश की 14, महत्वपूर्ण 2 सीटें सुल्तानपुर और आजमगढ़ की है जहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प बताया जा रहा है। तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखेंगे क्योंकि बसपा ने भी चुनावी मैदान में अकेले ताल ठोक रखी है। पिछली बार गठबंधन में थी लेकिन इस बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बसपा अकेले चुनावी मैदान में। बसपा भी इन सीटों पर अपनी जीत का दम भर रही है। आप ये जो तस्वीर इस समय न्यूज 18 पर देख रहे हैं, ये विंडो हमने तैयार करी है आपके लिए, आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी पर हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। एक एक तस्वीर जनता के साथ की चर्चा आप तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही आपके उल्टे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज देश के 8 राज्यों में जो मतदान हो रहा है उनमें कौन कौन से वो राज्य हैं जिन पर मतदान हो रहा है, कितनी सीटें उनकी हैं जिन पर मतदान हो रहा है, तो वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही आपके सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, कौन कौन से वो इलाके हैं, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, ये सारी वो सीटें हैं जो पिछली बार बीजेपी ने जीती हैं। इनमें से कुछ सीटों को अगर आप छोड़ दें तो वो गई हैं गठबंधन पिछली बार के समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के खाते में, लेकिन ज्यादातर सीटें इसमें बीजेपी की है। तो इस बार आप कह सकते हैं कि चुनौती बीजेपी के लिए भी बड़ी है कि पिछली बार का प्रदर्शन दोहराया जाए, उससे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती है कि देखिए इस बार बीजेपी के हाथ से सीटें छीनी जाए। और इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ, आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं, भदोही से दिनेश पटेल मेरे साथ हैं, बस्ती से हाफिजपुर रहमान हमारे साथ हैं, बस्ती से हाफीपुर से, और श्रावस्ती से सर्वेश सिंह हमारे साथ हैं। सबके पास जाएंगे कि करके तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है आज छठे चरण के मतदान की, और अगर चर्चा करी जा सके लोगों के साथ तो और बेहतर होगा। सबसे पहले चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास, आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये, निरहुआ के लिए भर भर के प्रचार न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। कैसा चुनावी माहौल, कैसा आपको नजर आ रहा है इस समय नजारा वहां पर, कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं छठे चरण में वोटिंग करने के लिए? अभिषेक, तो अभिषेक अभी हमारे साथ नहीं है, देखिए अभी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, तैयारी तो पूरी कर ली गई है, लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रयागराज चलते हैं, सर्वेश से ले लेते हैं इसी सवाल का जवाब। प्रयागराज बेहद महत्वपूर्ण सीट, बीजेपी ने इस बार यहां से कैंडिडेट अपना चेंज कर दिया है सर्वेश, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस समय कैसे वहां पर माहौल बना हुआ है छठे चरण के मतदान के लिए, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके अंदर कैसा उत्साह देख पा रहे हैं सर्वेश? देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और छठे चरण में यूपी की भी 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 162 प्रत्याशी इसमें चुनाव मैदान में, जिनके भाग्य का फैसला आज शाम 6 बजे तक वोटिंग के बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीटों के लिए प्रयागराज जिले में वोट हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इस वक्त मैं प्रीतम नगर में एक बूथ पर हूं और यहां पर 3 बूथ बनाए गए हैं मतदान केंद्र पर। आप देख सकते हैं तमाम जागरूक मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकले हैं, पहले मतदान फिर जलपान की बात यहां पर सामने आ रही है।
हमारे साथ देखिए बुजुर्ग मतदाता हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो लोकतंत्र में अधिकार मिला है उस अधिकार का प्रयोग किया है और यहाँ पर आकर मतदान किया है। अंकल आपने वोट दे दिया है, अपनी स्याही दिखाइए, आप लोग दिखाइए स्याही। तो आप लोगों ने वोट भी दे दिया है, हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज वोट दिया है। सर सबसे पहले तो आज आपने लोकतंत्र का वो जो वादा है, एक तरह से जो आपको अधिकार मिला है उसका पालन कर दिया है, और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आज वोट कर रहे हैं? लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र के हित में, हित में क्या मुद्दे हैं यहाँ के? अब मुद्दे तो आप जान रहे हैं, हमारा पहला है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, विकास हमारा नहीं, नॉट विकास, विकास तो जो भी होगा इट इज एन एवोल्यूशन, विकास तो एवोल्यूशन है, जो भी आई गवर्नमेंट कुछ न कुछ तो करती ही है जी, अपने अपने संसाधनों के अंतर्गत करती है जी। इस समय GST है और तमाम चीजें हैं, तमाम नौकरियां खत्म हैं, नौकरियां ना होने की वजह से एक एक मैं देख रहा हूं कि एक एक अधिकारी चार चार चार्ज पे काम कर रहा है ना। तो ये सब चीजें ऐसी है भाई, कहीं ना कहीं पैसे की बचत भी हो रही है। रोड्स में रोड्स का डेवलपमेंट हुआ है, रोड का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उस रोड के डेवलपमेंट में मतलब न जाने कितने, मतलब करोड़ों की संख्या में मुझे लगता है कि पेड़ कट गए। ठीक है सर्वेश, ये जागरूक मतदाता है, हमारे देश के ये सीनियर सिटीजन्स हैं जो अपने इस कर्तव्य को समझते हैं और सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बहुत ही सुंदर संदेश देते हुए ये जागरूक मतदाता। लौटूंगी मैं आपके पास सर्वेश, भदोही चलेंगे जहां से दिनेश पटेल हमारे साथ मौजूद है। दिनेश पटेल, छठे चरण में कैसे मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं आपको? भदोही में भी मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? चर्चा करिए लोगों से भी किन मुद्दों पर आज वोट देने आए हैं। दिनेश, मतदान केंद्र पर मौजूद हूं और सुबह से ही यहां लोगों की भारी भीड़ लग गई है। आप देख सकते हैं यहां की लंबी लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। पिछली बार भदोही का जो वोट प्रतिशत था वो कम था, लेकिन इस बार जिस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है उससे साफ है कि इस बार का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद है, ये बताइए कि किन मुद्दों पर इस बार आप लोग मतदान करने पहुंचे हैं? हम देश के लिए मुद्दे मतदान करने आए हैं। आप क्या कहेंगे? हम राष्ट्रवाद के लिए मतदान करेंगे। अच्छा। देश की खुशहाली के मतदान करेंगे। और मैं तीसरी बार इस बार लोकसभा का वोट देने जा रहा हूं और इस बार हम राष्ट्रवाद को मतदान जरूर करेंगे। अच्छा, क्या क्या और मुद्दे हैं इसके अलावा, और कितना उत्साह इस बार दिख रहा है लोगों? इस बार बहुत उत्साह है, पिछली बार से इस बार ज्यादा वोट पड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार राष्ट्रवाद जीतेगा। तो इस बार जो है आपको बता दें कि काफी भीड़ मतदान केंद्रों पर दिख रही है, सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और जो मौसम की वजह से यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं और जनपद के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से मतदान के लिए अपील कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। जी ठीक है, लौटूंगी दिनेश आपके पास। अभिषेक उपाध्याय के पास चलेंगे, आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद है लाइव। आजमगढ़ बेहद महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पर निरहुआ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई भोजपुरी स्टार पहुंचे प्रचार करने के लिए। कैसे इस समय तस्वीरें आपके सामने आ रही है, कैसा चुनावी माहौल है, सुबह सुबह का समय है, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और किस तरह से मतदाता यहां पर जागरूक नजर आ रहा है? अभिषेक जी, कंचन आजमगढ़ में निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, लोकतंत्र के महापर्व का आज दिन है जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं। इस वक्त न्यूज 18 की टीम अग्रसेन महिला विद्यालय में खड़ी है जहां पर बूथ को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है, पिंक बूथ इसका नाम दिया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकती है दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट एक सामाजिक संगठन है आजमगढ़ का, जिसने यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बना रखा है, जो मतदान आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर आएंगे और सेल्फी लेंगे। तो कुल मिलाकर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने का एक मैसेज का प्रयास सामाजिक संगठन और जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। कुछ मताधिकार का अपने प्रयोग करने के बाद वोटर निकले, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आप एक सोशल वर्कर भी हैं और आपकी तरफ वोट कास्ट कर दिया गया है, क्या कहेंगी, किस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है? इस बार बहुत ही उत्साह लोगों को देखने को मिल रहा है। हर साल तो 2-3 बजे तक भीड़ होती थी, लेकिन इस बार मैं सुबह देख रही हूँ कि अभी वोटिंग चालू भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके पहले ही लोगों ने लाइन लगा दी और कर्मचारी तैयार नहीं थे लेकिन वोट देने वाले तैयार थे। तो मुझे तो लग रहा है इस बार 100% वोट होगा। सोशल वर्कर है, क्या मैसेज देना चाहेंगी मतदाताओं को? काफी कम परसेंटेज देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर के। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सभी लोग मतदान करें अपने चुनिंदा प्रत्याशी को, यह भविष्य उनका है, उन्हें अपने 5 साल के भविष्य का निर्धारण उन्हें आज करना है कि उन्हें किसको चुनना है और कौन उनके 5 साल के भविष्य का निर्धारण करेगा। तो इसलिए आज सुबेरे जलपान न कर पहले मतदान करें और मत केंद्रों पर आकर 100% मतदान में योगदारी निभाएं।
तो निश्चित तौर पे मतदाता खुद जो है लोगों को जागरूक कर रहा है और मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास कुछ और मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल चुके हैं। सबसे पहले अपने फिंगर को दिखा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके का लोगों के अंदर उत्साह है, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, किस तरीके का उत्साह। जैसा कि मैंने अपने बूथ पर अपना पहला मतदान किया है और देखने में यही लग रहा है कि अभी से ही मतलब मतदाता इतने जागरूक हैं कि लोग लाइन लगी हुई है और बूथ खुलते ही पूरी भीड़ लग गई है, तो उम्मीद पूरी है कि मतदान जो है अच्छे प्रतिशत में होगा। हमारे साथ और भी कुछ वोटर हैं जो जी अभिषेक लॉजिंग आपके पास बहुत सारे लोग देखिए वोटिंग करके आ चुके हैं, सुबह सुबह ही जागरूक मतदाता हैं ये, और अभी कई लोग हैं जो अपने मतदान का अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, सौरभ मालवे जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक। दोनों से जल्दी से एक टिप्पणी ले लेते हैं आज छठे चरण के ऊपर। प्रमोद मिश्रा जी के पास चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं प्रमोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं 53 सीटों पर, कह रहे हैं कि हम आप ये मान के चलिए 300 का आंकड़ा तो अब तक देश में पार कर चुके हैं, आज 14 सीटों पर मतदान हो जाता है तो अब कुल मिलाकर 67 सीटें हो जाएंगी जो उत्तर प्रदेश में जिन पर वोटिंग हो चुकी होगी। आज के मतदान से कितनी उम्मीदें बीजेपी को है और क्या लगता है पिछली बार वाला प्रदर्शन क्या 2024 के चुनाव में आज की सीटों पर दोहराने वाली है बीजेपी? जी नमस्कार, निसंदेह दोहराने वाली नहीं है, हम और अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में अपने को पा रहे हैं। जनता के बीच में जो उत्साह है और जो हम अपने कामों को हम अपनी उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच में गए हैं, उसके प्रति लोगों का जो विश्वास और जो नई प्रेरणा के साथ और पुनः एक बार राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की दिशा में, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए जो अपना योगदान जनता देने जा रही है वो अभूतपूर्व होने जा रहा है और हम एक बड़ी सफलता की तरफ आज के मतदान के बाद आगे बढ़ जाएंगे, 300 से ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं फिर जाएंगे सौरभ मालवीय जी के पास। अशोक जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो देखिए समाजवादी पार्टी जो इस बार गठबंधन में कांग्रेस के साथ है, कई उम्मीदें हैं पार्टी को, ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अखिलेश यादव भी जीत का दम भर रहे हैं और इस बार पिछली बार से मतलब आप कहिए बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। 79 सीटें जीतने की बात अखिलेश यादव करते हैं लेकिन आज जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, पिछली बार बीजेपी ने इनमें से कई सीटें जीती हैं, कुछ एक सीटें आपके पास आई हैं, कितनी उम्मीदें आपको छठे चरण से हैं, क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगी इस बार 14 सीटों में से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन? अशोक यादव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, सौरभ मालवीय जी से ले लेते हैं जल्दी से रिएक्शन, फिर अपने सहयोगियों के पास जाएंगे, उनके साथ लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जो वोट करके आ चुके हैं। सौरभ मालवीय जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप 14 सीटों के आंकलन को कैसे समझाएंगे हमारी जनता को? बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, दो सीटों की अगर बात करें तो आजमगढ़ और सुल्तानपुर, ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। कैसा मुकाबला आपको यहां पर बीजेपी और गठबंधन के बीच में नजर आता हुआ दिख रहा है और कितनी सीटें यहां पर पिछली बार की तरह बीजेपी जीतने वाली है, आपका विश्लेषण क्या कहता है सौरभ जी? देखिए बीजेपी के लिए ये निश्चित तौर पर बहुत कठिन है, कारण क्या है इसके दो हैं, मुद्दा तो राष्ट्रीय है लेकिन दिल्ली का रास्ता पूर्वांचल के इसी बेल्ट से तय होता है और 14 सीटें बहुत प्राइम सीटें हैं, एक तरफ निरहुआ है, दूसरी तरफ मेनका गांधी है और जौनपुर, इन फूलपुर, इन सारी चीज सीटों पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया गठबंधन ये खास करके उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा है जहां पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है, तो जातिगत समीकरण में इन सारे क्षेत्रों में बीजेपी कैसे साध पाती है एक उसके लिए चैलेंज है। लेकिन कहीं ना कहीं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो वह है कि एक तरफ प्रयाग है, दूसरी तरफ अयोध्या से नीचे का ये एरिया है, तो राम जन्मभूमि आंदोलन एक बड़ा मोमेंट रहा है, एक बड़ा इशू है, तो कहीं ना कहीं यदि नेशनलिज्म की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है तो इन क्षेत्रों को, इन लोकसभा सीटों को यह मुद्दा प्रभावित करता हुआ दिखता है। ऐसे में
इंडिया गठबंधन भी बहुत जोरदारी के साथ और ये त्रिकोणी मुकाबला के हिस्से में दिख रहा है, क्योंकि मायावती ने इंडिपेंडेंट सारे कैंडिडेट को खड़ा किया है, गठबंधन के हिस्सा नहीं है। पिछली बार चैलेंज था बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार जीतने के बाद भी थोड़ा सा राह आसान नजर आ रही है। जी ठीक है सौरभ जी, श्रावस्ती चलते हैं। सर्वेश सिंह हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी वहां की तस्वीर दिखाएंगे। सर्वेश, किस पोलिंग बूथ पर आप इस समय श्रावस्ती में मौजूद हैं और किस तरह का उत्साह यहां पर लोगों में नजर आ रहा है? पोलिंग बूथ पर कितनी भारी भीड़ लोगों की पहुंची हुई है मतदान करने के लिए? कंचन, आपको बता दें कि हम इस समय देवीपाटन पूर्व माध्यमिक विद्यालय में है मौजूद, जहाँ पे काफी संख्या में लोग सुबह से ही आ रहे हैं और ये वो स्थान है जहाँ पर शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर के महंत जी भी मतदान करते हैं। अभी अभी महंत जी ने मतदान किया है और मतदान करके निकले हैं। हम आपसे बात करते हैं और क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, जिसके लिए पूरा शासन प्रशासन और चुनाव आयोग भी तैयार है। जी, आपने मतदान किया, क्या लग रहा है? देखिए, मैंने अभी अभी वोट डाला है और ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक भागीदारी जो है अपनी करनी चाहिए, घरों के अंदर बैठना नहीं चाहिए। निकले एक सशक्त, एक अच्छी सरकार चुनने का मौका मिलता है लोगों को, तो अपने घरों से निकल के सरकार को चुनने में मदद करें और अपने वोट का जो है महत्व समझे और अपने वोट को जो है दे। ठीक है, और क्या संदेश दे, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो इसके लिए? देखिए, यहाँ से लोग तो देखिए निकलते ही हैं और जो लोग नहीं निकलते, मैं उनके लिए कहूँगा कि आप लोग जो है कि निकले घरों से, आपका अधिकार है एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, और भारी से भारी संख्या में निकले। बिल्कुल, भारी संख्या में घर से बाहर निकलना होगा, मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा, वोट करना होगा। शनिवार का दिन है, बहुत से लोग घर पर होंगे, दफ्तर बंद होंगे, छुट्टी होगी, और वोटिंग के लिए तो वैसे भी सरकार ने आज कई जगहों पर आधे दिन की छुट्टी है, कई दिन पर कई जगह पर पूरे दिन की छुट्टी है, तो वोट देने के लिए तो वैसे भी आपको आराम दिया ही गया है। तो ऐसे में बंपर वोटिंग छठे चरण से उम्मीद की जा रही है।